दिल्ली भाजपा के मीडिया विभाग ने आप नेता आतिशी को भेजा कानूनी नोटिस, कहा दल बदल के लिए दबाव वाले अपने आरोपों को साबित करें या माफी मांगे आतिशी, वरना दर्ज होगा मानहानि का केस। दिल्ली उच्च न्यायालय में केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर सुनवाई, केजरीवाल ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर रिहाई की मांग की, सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर उठाया सवाल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल हुई मुठभेड़ में आज 3 और नक्सलियों के शव बरामद, अब तक 13 नक्सलियों की मौत, सर्च अभियान जारी। कारोबार जगत में भारत में आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर, 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व बैंक ने जताया अनुमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वायनाड सीट से नामांकन किया दाखिल, केरल के वायनाड सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है राहुल गांधी, नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी रही मौजूद। उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को स्पेशल टास्क फोर्स ने नोएडा से किया गिरफ्तार। ताइवान की राजधानी ताइपे में भूकंप से तबाही, जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी, भारत ताइपे एसोसिएशन ने भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट लेकर रहेगा, दुनिया का ये मानना भारत को मिले ये दर्जा। आईपीएल का 16वां मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता के बीच विशाखापट्टनम में कुछ ही देर में होगा शुरू, पहली जीत के बाद दिल्ली के हौसले बुलंद, हैट्रिक पर नाइट राइडर्स की नजर।